एटीएम मशीन में पैसे डालने वाली वैन के एक ड्राइवर को इतना लालच आया कि वह वैन में मौजूद कैश 2.80 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि एक एटीएम रिफिलिंग वैन का ड्राइवर सोमवार दोपहर एसबी रोड से कथित तौर पर नगद 2.80 करोड़ रुपए लेकर वाहन के साथ भाग गया। गोरेगांव पुलिस ने चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। चालक की पहचान उदय भान सिंह के रूप में की गई है, जो एक प्रमुख नगद प्रबंधन और भुगतान समाधान कंपनी के लिए काम कर रहा था। आरोपी उदय भान सिंह पिछले 2 महीने से कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोरेगांव के एसबी रोड पर एटीएम मशीन में कैश भरने के लिए ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुई थी, जब कर्मचारी गोरेगांव के पाटकर कॉलेज के पास एक बैंक के एटीएम को भरने के लिए वैन से उतरे थे। घटना के चश्मदीदों ने पुलिस को सूचित किया कि जब वे बाहर आए तो मशीन को रिफिल करने के बाद वैन और ड्राइवर गायब थे। पुलिस ने कहा कि कर्मचारियों ने तब उदय भानसी को फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद कर्मचारियों ने जीपीएस लोकेशन के माध्यम से वैन को ट्रैक किया और इसे पीरामल नगर में पाया, जो एसवी रोड को गोरेगांव रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। इसके बाद कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन को अलर्ट किया, जिसके बाद गोरेगांव पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। गोरेगांव पुलिस थाने से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम दोपहर 1:30 बजे मौके पर पहुंचे थे। गोरेगांव पुलिस ने उदय भानसी को ढूंढने के लिए 3 टीम का गठन किया है, जो उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड और मोबाइल टावर लोकेशन के माध्यम से और इलाकों और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि वैन में कुल 5 करोड़ रुपए थे, जिनमें से कुछ वैन में रह गए थे और एटीएम में डाल दिए गए थे। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।